दोस्तों आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं महिंद्रा मैक्सिमो टेम्पो का। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है ये टेम्पो, और डिज़ाइन की बात की जाए तो देखने में काफ़ी स्टाइलिश है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा देता है, 20-22 का माइलेज निकाल देता है ये। एक बार चलिए आपको वॉकराउंड दिखा देते हैं टेम्पो का। इसकी बात करें तो ये 1,13,000 या 14,000 किलोमीटर के आसपास चल चुका है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। उसके अलावा ये बॉडी इसकी ओरिजिनल है जो नीचे वाली है। चलिए सबसे पहले खोल के दिखा देते हैं आपको गाड़ी का इंटीरियर। तो गेट की बात करें जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा खस्ता हालत में हैं गाड़ी के गेट्स, और ये कंपनी में चलता है दोस्तों। नॉर्मल विंडोज़ मिल जाती हैं, लोकल लॉक हैंडल और ये गेट खोलने के लिए हैंडल। उसके अलावा इंटीरियर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे टेम्पो जो है पेंट हो रखा है, ये इसकी पहचान आपको रबड़ पे देख के लग रही होगी, ये चीज़ जो है ये पेंट है, नहीं तो ये नॉर्मली ब्लैक होती है। उसके बाद सीट्स की बात करें, ड्राइवर की सीट आपको छोटी मिलेगी और पैसेंजर वाली बड़ी मिल जाती है, इसलिए उस पर दो बंदे बैठ सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों टेम्पो के अंदर। तो इसका हैंडल लॉक लगा हुआ है, हम हैंडल लॉक खोल लेते हैं एक बार। की की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल सी की है, बिना इमोबिलाइजर वाली। और ये खुल गया। तो स्पीडोमीटर की बात करें दोस्तों तो कुछ ऐसा दिखता है स्पीडोमीटर, देखने में काफ़ी स्टाइलिश है स्पीडोमीटर, और कुछ इस तरीके से ऑन होता है। यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट मिल जाएगी, और एक चेक इंजन लाइट यहाँ पे है, दो दो दी गई है इसके अंदर। उसके अलावा इधर में शो करेगा फ्यूल, टोटल स्पीड, टोटल किलोमीटर्स की बात करें 1.5 लाख कम्प्लीट होने वाले हैं इसके। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे दो ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, और इधर में आपको शो करेगा इंजन हीटिंग। उसके अलावा यहाँ पे दो मोड्स मिल जाते हैं, पावर मोड और इको मोड। तो इको मोड में चलाओगे तो आपको माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, पावर मोड में जो है पिकअप वगैरह अच्छा मिल जाएगा, ये लाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा इधर मिलते हैं इंडिकेटर के कंट्रोल, और इस साइड में मिलेंगे आपको वाइपर के कंट्रोल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और वाइपर जो है चलते हुए कर रहे हैं इसके आवाज़। उसके अलावा छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, खोल के दिखा देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको स्टोरेज बढ़िया सी मिल जाती है, तो गाड़ी के पेपर वगैरह रख सकते हैं आप इसके अंदर जैसा कि फिलहाल रखें, और अपना मोबाइल वगैरह रख के लॉक भी कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है। ये डबल इंडिकेटर्स के लिए, नीचे मिलेगा चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे आप स्टीरियो लगा सकते हैं, इसके अंदर नहीं लगा हुआ। बाकी पेडल्स की बात करें दोस्तों तो ये स्टीयरिंग रोड जो है ना ये परेशान करती है थोड़ा सा, बीच में आ रही है। इधर आपको मिल जाएगी क्लच, ये ब्रेक और एक्सीलेटर। यहाँ पे आपको मिलेगा रेस्ट पेडल जिससे कि आप अपने पैर को थोड़ा आराम दे सकते हैं गाड़ी को चलाते हुए। और 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है एक रिवर्स गियर के साथ में। ये हो गया हैंड ब्रेक सीट बेल्ट्स के, और उधर में आपको मिलेगा थोड़ा सा स्पेस। बाकी ये रियर व्यू मिरर है लाइट के साथ में, और लाइट ख़राब है। बाकी इधर में आपको मिल जाएगा एक कार्ड होल्डर। और पीछे की बात करें दोस्तों तो पीछे आपको एक छोटी सी खिड़की मिल जाएगी जिसको आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं, और हवा जो है गाड़ी के अंदर से पास हो जाएगी। फिलहाल इसकी बॉडी जो है पीछे बंद वाली है, इसलिए आप पीछे नहीं देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं इंजन की तरफ, और आपको इसका इंजन दिखा देते हैं एक बार। तो इंजन के लिए पहले आपको सीट वहाँ से फोल्ड करनी पड़ेगी। तो उस साइड की जो सीट है दोस्तों वो खुलनी हुई थी, जाम हो रखी थी, तो इसलिए अब हम खोल रहे हैं पैसेंजर वाली। लॉक होंगे नीचे, तो कुछ इस तरीके से इसकी सीट फोल्ड हो जाती है ऊपर को, और आपको थोड़ी पकड़ के रखनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों इंजन की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंजन। इसके इंजन की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको मिलता है 909cc का 2-सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि जनरेट करता है 19.2 का मैक्सिमम पावर और 55 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें दोस्तों तो 20 से 22 का माइलेज निकाल के देगा ये आपको डीजल पे। बाकी दोस्तों कूलेंट वगैरह की बात करें तो आप यहाँ से इसमें कूलेंट डाल सकते हैं। तो सीट बंद कर दो भाई, और अब चलते हैं टायर साइज़ की तरफ दोस्तों। तो टायर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ये आप देख पा रहे हो कि 13 इंची के टायर हैं गाड़ी के अंदर, सॉरी 12 इंची के टायर हैं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर, और ये है टायर का साइज़। उसके अलावा चलिए अब चलते हैं फ्रंट लुक की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइट्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिनकी वजह से रात में आपको काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी मिल जाएगी। फिलहाल इसकी काली पड़ी हुई हैं लाइट्स। और ग्रिल की बात करें दोस्तों तो ग्रिल जो है महिंद्रा की आप जानते हैं सिग्नेचर ग्रिल, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। उसके अलावा रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। और गाड़ी की बैटरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे है गाड़ी की बैटरी, ये आप देख पा रहे होंगे, और इस पर इन्होंने बॉक्स वगैरह बनवाया हुआ है जिससे कि बैटरी चोरी होने से बच जाती है। और डीजल की बात करें दोस्तों तो डीजल यहाँ से डलेगा इसके अंदर, ये डीजल की कैप, फिलहाल ये ढीला पड़ा हुआ है।
तो अब हम आ गए हैं टेम्पो के पीछे की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिलेगी काफ़ी बड़ी। और एक बार आपको बॉडी खोल के दिखा देते हैं। तो ये जो सलमान भाई हैं, भाई का टेम्पो है, ये आपको बताएंगे कि माइलेज वगैरह कैसा है इसका। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टोरेज काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं इसके अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे। और काफ़ी इजीली आप सामान वगैरह डाल लेंगे अंदर। बंद वाली बॉडी है ये इसकी जो बनी हुई है, तो इसे बंद कर देते हैं और हम चलते हैं लाइट्स की तरफ। तो लाइट्स की बात की जाए दोस्तों, तो वही सिंपल लाइट्स मिल जाती हैं आपको, जिनका काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं सेकेंड हैंड। और स्टेपनी की बात करें तो यहाँ पर है गाड़ी की स्टेपनी, उसके अलावा साइलेंसर। तो चलिए फिर दोस्तों, अब चलते हैं टेम्पो की टेस्ट ड्राइव पे और आपको बताते हैं चलने में कैसा है। और साइड में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बाकी साइड मिरर, और एक साइड का साइड मिरर इसके अंदर है नहीं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टेम्पो के अंदर और अब करेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव। बाकी यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिल जाएगा जिस पे कि आपको कुछ वार्निंग्स मिल जाती हैं, जिन्हें आप ध्यान में रख के माइलेज अच्छा निकाल सकते हैं और अपने टेम्पो की केयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद बहुत ही वाइब्रेशन है जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, और आवाज़ भी काफ़ी कर रहा है। रिवर्स गियर डालते हैं इसका, गियर जो है वो थोड़े स्लाइड डल रहे हैं, लेकर हमें दोनों हाथ से पकड़ के डालने पड़ रहे हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल जो है ये पावर मोड में चल रहा है। और ये हमने डाल दिया इसका फर्स्ट गियर। तो चलिए फिर अब चलते हैं। और साउंड जो है ना बिल्कुल बस वाली बनाता है ये, आप सुन पा रहे होंगे टेम्पो की साउंड। और हॉर्न की बात करें तो ये आप हॉर्न की आवाज सुनो इसके, ऐसा लगता है बिल्कुल अंदर ही रखा हुआ कहीं पे। और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन काफी बढ़िया लगा, अभी काफी तगड़ा झटका आया था और अंदर इतना खास महसूस नहीं हुआ। पिकअप की बात करें दोस्तों, तो पावर मोड में भी फिलहाल पिकअप नहीं आ रहा है इसके अंदर, और चेक इंजन लाइट आ रही है, तो जरूर इसके अंदर कोई दिक्कत है। और दोस्तों अभी काफी तगड़ा झटका लगा हमें, ये स्पीड ब्रेकर कुछ ज्यादा तगड़ा था और मैं अपनी सीट से उछल गया बिल्कुल। और अब थोड़ा भाग के देखते हैं, और जैसे ही ये कुछ आरपीएम को पकड़ रहा है, जो कि इसमें आरपीएम दिखते नहीं है, उसके बाद जो है ना पावर बिल्कुल डाउन कर दे रहा है ये, तो ये इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और ये आपने देखा जब आगे स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो काफी तगड़ा झटका लगता है, और पीछे वाले टायर से निकल जाएगा तो इजीली निकल जाता है, वैसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए फिर अब लेते हैं यहां से टर्न। और मज़ा जो है ना काफ़ी आने वाला है, स्टेयरिंग जो है इसका काफ़ी बढ़िया फीडबैक है स्टेयरिंग का, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मिनी बस चला रहे। और ये थर्ड गियर में कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन, अभी ये 20 पे पहुंचा है और पावर छोड़ दी हमने। बाकी दोस्तों विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ऐसा लगता है बिल्कुल आगे ही बैठे हैं। और ये एक और स्पीड ब्रेकर है, अब आप देखना कि क्या फील होता है इसके अंदर। और ये आपने देखा बिल्कुल ऐसे झटके से महसूस होते हैं केड़े वाले। बाकी दोस्तों मजा काफी आ रहा चलाने में। और माइलेज की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ना 20-22 का माइलेज आपको काफी प्यार से निकाल के देते हैं। 2-सिलेंडर इंजन है इसके अंदर, और ये कुछ ज्यादा ही तगड़े उछल गए। हमें थोड़ी गाड़ी चलाने की आदत है और टप्पू जो है हम पहली बार ही चला रहे हैं, ये कुछ ज्यादा वाइब्रेशन। और गियर्स जो है ना वो थोड़े से टाइट डल रहे हैं, पर क्लच काफी लाइट है, मुझे लग रहा है इसका एक बार क्लच चेंज हो चुका है। तो अब लेते हैं यहां से यूटर्न, और यूटर्न लेना काफी आसान, पर सेकंड गियर में जो है ये मुड़ नहीं रहा, वाइब्रेशन कुछ ज्यादा कर रहा है। और ये पावर चली गई इसकी, कुछ आरपीएम क्रॉस करने के बाद पावर छोड़ दे रहा है। और एक बार इको मोड में चला के देखते हैं दोस्तों इसे, ये इको मोड में आ गया। और अब ये थर्ड गियर में है दोस्तों,
ये 40 टच करने वाला है और इसने 40 पर टच कर दिया। ये आप मीटर में देख पा रहे हो 40 क्रॉस कर चुका है ये। और ये सामने बाइक वाले आते हुए, तो दोस्तों ऐसे काम ना करें आप सड़क पे। बाकी दोस्तों मोड़ते टाइम पे बॉडी रोल काफी महसूस होगा और मैं ऐसे लग रहा था कि गेट से बाहर जाऊंगा निकल के। और हॉर्न जो है ना, हॉर्न काफी प्यारा लगा इसका, बिल्कुल बेहतरीन वाली फीलिंग कान पे बजते हुए। तो दोस्तों इतनी थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सलमान भाई का शुक्रिया हमारे वीडियो में आके हमारी कुछ मदद करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में।